Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. मैं हूं कौकब फारूकी, सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। क्यूबेक के प्रीमियर सिलिकॉन वैली और हॉलीवुड के चार रोजा दौरे पर कैलिफोर्निया के गवर्नर से मुलाकात। ऑन्टेरियो में असाजा यूनियन ने दूसरी हड़ताल के बाद मुजाकरात का इंदिया दे दिया। असाजा ने हुकूमत से संजीदा रवैया अख्तियार करने का मुतालबा कर दिया। टोरंटो में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे का फैसला। शहरी हुकाम के मुताबिक फंड से 4000 के करीब सस्ते रिहायशी यूनिट के मंसूबे में मुआवनत मिलेगी। टोरंटो में फिंच एवेन्यू स्ट्रीट के करीब फायरिंग का वाकया, एक शख्स जांबहक हो गया। पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई। अमरीकी सदर का यहूदियों की मुखालफत रोकने का इकदाम। मुतनाजा इकदाम से यहूदियों और इसराइल की मुखालफत रोकने में नाकाम। तालीमी इदारों की हुकूमती इमदाद रोक दी जाएंगी। अमरीका का अफगानिस्तान में अपने फौजों की तादाद को कम करने पर गौर। हुकाम मुख्तलिफ तरीकेकार का जायजा ले रहे हैं। बरतानिया में आम इंतखाबात, ब्रेक्सिट के नाम पर लड़े जाने वाले इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात उम्मीदवारों के साथ साथ 3,300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। फजाई आलूदगी पर काबू पाना नहायत जरूरी। माहिरीन के मुताबिक हवाई आलूदगी अमराज़ क़ल्ब, दमे, ब्लड प्रेशर, यहाँ तक के ज़ियाबतीस का सबब बनती है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311। एड्रेस 565 मार्कम रोड, स्कारब्रो। वेलकम बैक। क्यूबेक के प्रीमियर फ्रांसिवा लेगो ने अपने चार रोजा सिलिकॉन वैली और हॉलीवुड के दौरे के दौरान कैलिफोर्निया के गवर्नर से मुलाकात की है। मुख्तसर मुलाकात के दौरान इस वक्त अजीबोगरीब कैफियत सामने आई, जब उन्होंने गवर्नर से मजहब के मामले पर उनसे गुफ्तगू की कोशिश की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। क्यूबेक के प्रीमियर फ्रांसिवा लेगो ने अपने चार रोजा सिलिकॉन वैली और हॉलीवुड के दौरे के दौरान कैलिफोर्निया के गवर्नर से मुलाकात की। मुख्तसर मुलाकात के दौरान उस वक्त अजीबोगरीब कैफियत सामने आई, जब उन्होंने गवर्नर से मजहब के मामले पर उनसे गुफ्तगू की कोशिश की। फ्रांसिवा ने न्यूज़ूम से कहा कि तमाम फ्रेंच कैनेडियन कैथोलिक हैं। उन्होंने जब उनसे मजहबी अलामत पर गुफ्तगू करना चाही तो गवर्नर ने कहकहा लगाकर उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका मसला है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। न्यूज़ूम को क्यूबेक हुकूमत के मुतनाज़ा बिल के हवाले से आगाह किया गया, जिसमें सरकारी असाज़ा, पुलिस अफसरान, सरकारी बुकला, किसी भी मजहबी अलामत जैसे मुसलमान खवातीन को हिजाब या सिखों पर काम के दौरान पगड़ी पहनने और दीगर मजहबी अलामत पर पाबंदी आयद की जाती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्यूबेक की अदालत में इस बिल के खिलाफ फैसला आ सकता है, जबकि सूबे भर में सियासी रहनुमाओं, वकील और इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से इस बिल की शदीद मुखालफत की गई है। ऑन्टेरियो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ऑन्टेरियो में तालीमी अमले की जानिब से एक बार फिर हुकूमत से मुजाकरात का इंदिया दे दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा हफ्ते मुजाकरात शुरू हो जाएंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो में तालीमी अमले की जानिब से एक बार फिर हुकूमत से मुजाकरात का इंदिया दे दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा हफ्ते मुजाकरात शुरू हो जाएंगे। यूनियन की जानिब से ये फैसला चंद हफ्तों के दौरान की जाने वाली दूसरी हड़ताल के बाद किया गया है। अगस्त के महीने में असाज़ा का मुआहदा खत्म हो चुका था, जिस पर तहाल कोई पेश ना हो सकी। असाज़ा की जानिब से प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हुकूमत को उन सब का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। वजीर तालीम स्टीफन लीचे ने कहा कि उन्हें यकीन है कि रजाकाराना मुआहदा तय पा सकता है। उन्होंने OSSTF से मुतालबा किया कि वो इस हड़ताल को खत्म करें, जिससे तलबा की तालीम मुतासर हो रही है। टीचर्स यूनियन के सदर की जानिब से कहा गया है कि वो किसी भी वक्त मुजाकरात की मेज पर आ सकते हैं, ताहम इसके लिए हुकूमत को संजीदा होना होगा। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो में मेयर एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से ट्रांजिट और हाउसिंग के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे का फैसला किया गया है, जिसे शहरी हुकूमत के अहम मंसूबों में इस्तेमाल किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मेयर एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से ट्रांजिट और हाउसिंग के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे का फैसला किया गया है। मेयर जॉन टोरी ने सिटी बिल्डिंग लेवी, जो प्रॉपर्टी टैक्स का हिस्सा है, उसमें इजाफे की तजवीज़ पेश की थी, जिसे आइंदा दिनों में मंजूरी के लिए सिटी काउंसिल भेजा जाएगा। गुज़िश्ता चंद सालों से टोरीज की जानिब से महंगाई के सबब उन टैक्सों की मुखालफत की जा रही है। उनका कहना है कि शहर के लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। टोरंटो के मेयर की जानिब से कहा गया कि हम अब कामयाब हैं, यहाँ पर हजारों लोग काम और सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं, जो कि शहर के लिए खुशाइन बात है, जिसके लिए हमें सस्ती रिहाइश और आमदोरफ्त के ज़राए में इजाफे की ज़रूरत है। मेयर की जानिब से सिटी बिल्डिंग फंड में 6 साल की तौसी और प्रॉपर्टी टैक्स में 10% इजाफा तजवीज़ किया गया है। शहरी हुकाम के मुताबिक इस फंड से शहरी हुकूमत के $23.4 बिलियन के मंसूबे, जिसमें 4,000 के करीब सस्ते रिहायशी यूनिट बनाए जाएंगे, को मदद मिलेगी, जबकि TTC की हालत को भी मजीद बेहतर किया जाएगा। टोरंटो में फिंच एवेन्यू स्ट्रीट के करीब फायरिंग के वाके में एक 22 साला नौजवान को मुतादित गोलियों को निशाना बनाया गया था, जो मौके पर ही हलाक हो गया था। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। फिंच एवेन्यू स्ट्रीट के इलाके में लेस्ली स्ट्रीट के करीब फायरिंग के वाके में एक शख्स हलाक हो गया है। पुलिस का कहना है कि रात के वक्त उन्हें इलाके में फायरिंग की इत्तला मौसूल हुई। एक 22 साला नौजवान को मुतादित गोलियों को निशाना बनाया गया था, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया था। पुलिस के मुताबिक दो मुश्तबा शख्स मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की जानिब से वाके की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि अगर उनके पास वाके के हवाले से कोई भी तफसीलात मौजूद हैं, तो फौरी तौर पर पुलिस से राबता करें, ताकि शहर में जराइम पर काबू पाया जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉलेज कैंपस में यहूदियों की मुखालफत और इसराइल का बायकॉट रोकने के लिए नया सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया है। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉलेज कैंपस में यहूदियों की मुखालफत और इसराइल का बायकॉट रोकने के लिए नया सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया है। ट्रंप के इस मुतनाज़ा इकदाम के तहत ऐसे तालीमी इदारों की हुकूमती इमदाद रोकी जा सकेगी, जो यहूदी और इसराइल मुखालिफ वाकियात की रोकथाम में नाकाम रहेंगे। सदारती हुक्मनामे के तहत महकमा तालीम कॉलेज कैंपस में यहूद मुखालिफ अनासर के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई कर सकेगा। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हुकूमत को बहैसियत नस्ल, कौम या मजहब यहूदियत की तशरीह की इजाजत होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ने के लिए अमरीकी फौजियों की तादाद कम की जाएगी, ताहम उन्होंने हतमी तादाद नहीं बताई। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। अमरीका अफगानिस्तान में अपने फौजियों की तादाद को कम करने पर गौर कर रहा है, जिसके लिए हुकाम कई तरीक़ेकार का जायजा ले रहे हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ने के लिए अमरीकी फौजियों की तादाद कम की जाएगी, ताहम उन्होंने हतमी तादाद नहीं बताई। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास इख्तियार है। इस वक्त अफगानिस्तान में अमरीकी फौजों की तादाद 13,000 है, जिनमें से 5,000 सिक्योरिटी से मुतालिक ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी अहलकार अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत, मशवरे और मदद के लिए नेटो मिशन का हिस्सा हैं। इस मौके पर अमरीकी सेक्रेटरी दिफा मार्क एस्पर का कहना है कि मैं भी चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौजों की तादाद कम की जाए। बरतानिया के 4,60,00,000 वोटर इंतखाबात में अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 1923 के बाद पहला मौका है कि बरतानिया के आम इंतखाबात दिसंबर में हो रहे हैं। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। बरतानिया में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। पोलिंग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। ब्रेक्सिट के नाम पर लड़े जाने वाले इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात उम्मीदवारों के साथ साथ 3,300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में है। बरतानिया के 4,60,00,000 वोटर इंतखाबात में
اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. 1923 کے بعد پہلا موقع ہے کہ برطانیہ کے عام انتخابات دسمبر میں ہو رہے ہیں. پولنگ کے اختتام کے ساتھ ہی ایگزٹ پولز کا اعلان کر دیا جائے گا, تاہم حتمی نتیجہ جمعے کی شام تک آنے کا امکان ہے. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں 650 نشستیں ہیں جبکہ 326 نشستیں جیتنے والی جماعت اکثریت حاصل کر پاتی ہے. واضح رہے کہ گزشتہ 4 برس کے دوران برطانیہ میں ہونے والے یہ تیسرے عام انتخابات ہیں. کچھ بات کر لیتے ہیں. اب تک ہوائی آلودگی اور امراض قلب, دمے, بلڈ پریشر اور یہاں تک کہ ذیابتیس کے درمیان بھی تعلق سامنے آ چکا ہے, لیکن اب امریکن ادارے کی نئی رپورٹ کے مطابق آلودگی کم کرنے سے بڑے پیمانے پر بہت سے فوائد حاصل ہوں گے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اگر ہم فضائی آلودگی کے جن کو قابو کر سکیں یا کسی طرح اس کی شدت کم ہو جائے تو جسم پر اس کے فوری مثبت اثرات نمودار ہو سکتے ہیں. اب تک ہوائی آلودگی اور امراض قلب, دمے, بلڈ پریشر اور یہاں تک کہ ذیابتیس کے درمیان بھی تعلق سامنے آ چکا ہے, لیکن اب امریکن تھوریسک سوسائٹی کے ایک جرنل میں شائع رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آلودگی کم کرنے سے انسانی پیمانے پر بہت سے فوائد حاصل ہوں گے. سوسائٹی سے وابستہ پروفیسر ڈین شروفینگل اور ان کے ساتھیوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے جس میں پوری دنیا میں فضائی آلودگی کم کرنے کے فوائد پر بحث کی گئی ہے. رپورٹ میں یوٹا میں ایک اسٹیل مل کو 13 ماہ کے لیے بند کیا گیا تو اسپتالوں میں بالخصوص بچوں میں نمونیا, سانس کے امراض اور دمے میں کمی واقع ہوئی. اسٹیل مل بند کرنے سے بچوں کے اسکول سے ناغے میں 40% کمی ہوئی اور فضا میں آلودگی بھی کم دیکھی گئی. خواتین میں قبل اس وقت بچوں کی پیدائش میں بھی کمی واقع ہوئی. اسی طرح ہر شخص کو جب اپنی کار کی بجائے عوامی ٹرانسپورٹ کی ترغیب دی گئی تو اس سے اوزون اور فضائی آلودگی بھی کم ہوئی. اسٹیل مل بند ہونے کے 4 ہفتے بعد اسپتالوں کے طبی عملے نے نوٹ کیا کہ مختلف شعبوں میں ایمرجنسی میں لائے جانے والے افراد کی 11% کمی ہوئی, لیکن امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی فضائی آلودگی سے ایسے ہی فوائد دیکھے گئے ہیں. فضائی آلودگی قسمت کا لکھا نہیں اور اسے کم کیا جا سکتا ہے, جس کے لیے ٹیکنالوجی بھی اپنی جگہ موجود ہے. رپورٹ کے مطابق 2008 کے اولمپکس میں چین میں بھی ایسا ہی ہوا. اولمپکس گیمس میں حکومت نے 1 جولائی سے 20 ستمبر تک عوام پر سفری پابندیاں عائد کی تھی, جس سے فضائی آلودگی کم ہوئی, یعنی فضائی آلودگی میں 62% تک کمی واقع ہوئی تھی. علاقے کے چینی اسپتالوں میں دمے کی شکایت لے کر آنے والوں کی شرح میں 58% تک کمی دیکھی گئی. اسی طرح دل کے امراض سے اموات میں بھی نمایاں کمی ہوئی. ان تمام مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی شہر یا علاقے میں فضائی آلودگی کی شرح کم ہوتے ہی فوری طور پر صحت پر اس کے مثبت اثرات سامنے آ جاتے ہیں. اس لیے اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آلودہ ہوا اور امراض کے درمیان گہرا تعلق ہے. سوئس حکومت نے پاکستان سے بینکوں میں رقوم کی معلومات فراہم کرنے کی منظوری دے دی. سوئس حکومت مجموعی طور پر 18 ممالک کو یہ معلومات فراہم کرے گی. مزید جانتے ہیں رپورٹ میں. بیرون ملک چھپائی گئی دولت واپس لانے کے معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. سوئس حکومت نے پاکستان سے بینکوں میں رقوم کی معلومات فراہم کرنے کی منظوری دے دی. سوئس حکومت مجموعی طور پر 18 ممالک کو یہ معلومات فراہم کرے گی. معلومات فراہم کرنے کی منظوری سوئس پارلیمنٹ نے دی ہے. رقوم کی معلومات غیر ملکی باشندوں کے متعلقہ ملکوں کو فراہم کی جائیں گی. سوئس حکومت نے پاکستان, البانیا, آذربائیجان, برونوئی, مالدیپ, عمان اور دیگر ممالک معلومات حاصل کرنے کی فہرست میں شامل کیا ہے, جبکہ سوئس حکومت کے مطابق سوئس بینکوں میں بیشتر ممالک کے 31 لاکھ غیر ملکیوں کے اکاؤنٹس ہیں. اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی. ڈیلی کینیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اینڈ اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی.